हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल शेयर माय जर्नी में आपका स्वागत है। ये मेरे फ्रेंड रिंकू और मैं हूँ सुमा घोषाल। आज हम लोग आए हैं आपके साथ शेयर करने दीघा मोहना की ब्यूटी। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और साथ रहना। तो चलो चलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं दीघा मोहना पर। सुबह बारिश बहुत हो रखी थी, इसीलिए निकलने में थोड़ा देर हो गया। अभी भी आसमान साफ नहीं है, फिर भी हम निकल पड़े हैं दीघा मोहना की तरफ। दीघा मोहना ओल्ड दीघा बीच से ज्यादा दूर नहीं, एक्चुअली इट इज वन एंड ऑफ द दीघा बीच। ओल्ड दीघा से मोहना का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर भाया सी बीच रोड। आप पैदल भी जा सकते हो और चाहो तो टोटो या फिर मोटर वैन से भी जा सकते हो। ज्यादा दूर नहीं है, ये नजदीकी है ओल्ड दीघा से। और आप देख सकते हो यहाँ पर मछली पकड़ने की ट्रॉलर दिख रहा है। मछली पकड़ने के लिए मछुआरे इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये अब आ गए हम मोहना पर। यहाँ तो दीघा की होलसेल फिश मार्केट यहाँ पर ही है, जिसे इंटरनेशनल फिश मार्केट भी कहा जाता है। पर हम मार्केट की तरफ नहीं गए, हम लोग क्या किया कि सीधे हम बीच पर ही चले गए थे। इधर उधर छोटा छोटा स्टॉल है या रिंग्स वगैरह वगैरह चीजों की छोटा छोटा स्टॉल है यहाँ पर। यह है मोहना। मोहना किसे कहते हैं कि जहां पर नदी आकर समुद्र से मिलती है, उसे कहते हैं मोहना। तो ये बहुत सुंदर सा एक प्लेस है, जहाँ एक तरफ नदी भी है, एक तरफ समुद्र भी है, और यहाँ बीच बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत लोग अपने पिक क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे लोग समुंदर की लहरों से खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं इस जगह की। और आप देख सकते हो वो दूर कुछ मछुआरे नेट लेकर वापस आ रहे हैं। यहाँ पे सब लहरों से मजा ले रहे हैं, कोई नहा रहे हैं तो कोई खेल रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा है यहाँ पर। कभी आप दीघा आते हो तो 1-1.5 घंटा निकल कर इस प्लेस में जरूर आ जाना, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है पेविलियन। ये पेविलियन विजिटर्स के लिए ही बनाया गया है। इस तरफ है रिवर चंपा, जो जाके मिल रहा है उस तरफ बे ऑफ बंगाल और बंगोप सागर में। जो वहां पे एक ग्रीन कलर का दिख रहा था वो है शंकरपुर। बड़े बड़े झाव के पेड़ से घिरा हुआ वो है शंकरपुर। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। तो आज के लिए बाय बाय।